हेलो किड्स, आज हम मिलेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स से। तो कौन होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स? ऐसे एनिमल्स जो हमारे यानी इंसानों की हेल्प से जिंदा रह पाते हैं और साथ ही वो इंसानों की भी मदद करते हैं। तो आओ मिले डोमेस्टिक एनिमल्स से। तो बताओ ये कौन है? ये है काऊ यानी गाय। इसके दूध को पीकर हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इसके दूध से बहुत सी चीजें बनती हैं, जैसे पनीर, दही और मिठाइयाँ। और ये कौन है? म्याऊ। ये तो कैट है यानी बिल्ली। ये हमारे घर पर चूहों को आने से रोकती है। और ये कौन है? ये है डॉग यानी कुत्ता। ये बहुत वफादार होते हैं और हमारे घर की रक्षा करते हैं। और ये कौन है? ये है हैन यानी मुर्गी। मुर्गियां अंडे देती हैं और उन अंडों को खाकर हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। और ये कौन है? ये है डोंकी यानी गधा। ऐसी जगह जहाँ सड़कें नहीं होती या सामान ले जाना बहुत मुश्किल होता है, तो डोंकी सामान ढोने में इंसानों की मदद करते हैं। और ये कौन है? यह है कैमल यानी ऊंट। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि डेजर्ट यानी रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये हमारी हेल्प करता है। और ये कौन है? यह है गोट यानी बकरी। इसका दूध बहुत हेल्दी होता है। और ये कौन है? ये है हॉर्स यानी घोड़ा। ये बहुत तेज और ताकतवर जानवर होता है। ये भारी सामानों को खींचने के काम आता है। और ये है शीप यानी भेड़। बा ब्लैक शीप। इसके शरीर के बालों से ऊन बनती है और उनमें बहुत गर्माहट होती है, और इसीलिए ऊन के बने स्वेटर हमें सर्दियों में खुद को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। तो बताओ आज हम किस किस से मिले? काऊ, कैट, डॉग, हैन, कैमल, डोंकी, गोट, शीप एंड हॉर्स। तो मजा आया ना बच्चों डोमेस्टिक एनिमल से मिलके? सो सी यू सून, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब टी2 चैनल।